मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं आविरावीर्मेधि वेदस्यमवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहो रात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्ताधमवतु अवतु नाम अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्र योगींद्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। सेवेंथ चैप्टर चैंट करेंगे। ब्रह्मैवा अहमस्मि इति अपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धन विनिर्मुक्तस्यान् कर्माणि कतिविधानि
सन्ति इति चेत् आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति ज्ञानोत्पत्ति अनन्तरं ज्ञानी देहकृतं पुण्यपापरूपं कर्मं यदस्ति तद् आगामी इति अभिधीयते संचित कर्म किं अनंत कोटि जन्मनां बीजभूतं संयत कर्म जातं पूर्वाजितं तिष्ठति तत्संचित गेयम् प्रारब्ध कर्म किम् इति चेत् इदं शरीरं उत्पाद्य इन लोके एवं सुख दुखादि प्रदं यत् कर्म तत् प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षय इति संचित कर्म ब्रह्मैवा अहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति किंच वागामी कर्मणा नलनीदलगत जलवत ज्ञानीनां संबंधो नास्ति किञ्चि ज्ञानिनां स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति किञ्च ये ज्ञानिनां स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं आगामी पुण्यं गच्छति ये ज्ञानिनां निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्वमागामी क्रियमाणं यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति तथा च विमत् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दं इहैव प्राप्नोति तरति शोकम् आत्मवित इति श्रुतेः तनुं त्यजतु वाकाश्याम् तनुं त्यजतु वाकाश्याम् स्वपश्चस्य ग्रथेऽथवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तासो विगताशयः
तनुं त्यजतु वाकाश्याम् स्वपचस्य गृहीत्वा ज्ञानसंप्राप्तिसमये मुक्तासो विगताशयः इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम्। तो पिछली कक्षा में दर्शन शब्द को बताते हुए ये बात कही गई, जीवन के प्रति जो व्यक्ति की देखने की दृष्टि है वो दर्शन है। यहां तक कि सभी व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार की दृष्टि है। कोई जीवन को भोग में भी मानता है, वो भी एक दृष्टि है। जैसे कि चार्वाक दर्शन, तो वो भी एक दृष्टि है, उसका भी स्वागत है। तो जिस साधक का जैसा स्तर है उसकी वैसी दृष्टि है। हम लोगों की गड़बड़ी क्या होती है दर्शन पढ़ते समय और वेदांत सुनते समय, हम किसी दर्शन को गलत कह देते हैं और किसी दर्शन को सही कहते हैं। ये कमेंट करना जल्दबाजी में करना है। जिस समय जिस व्यक्ति की जो स्थिति है वो उसकी दृष्टि है। अब साधना करने से उसकी जीवन के प्रति जो दृष्टि है वो धीरे धीरे क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो वो किसी अन्य दर्शन में प्रवेश करता है। अगर आप अपनी दृष्टि देखो कि जब आप वेदांत नहीं पढ़ रहे थे तो एक कैसी दृष्टि डेवलप थी सबके प्रति, समस्या के प्रति। जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता जाता है तो थोड़ी थोड़ी उसकी दृष्टि जरूर बदलती है। तो आपकी दृष्टि क्या हो गई, बदल गई। हो सकता है इससे भी अच्छी भी और दृष्टि आपकी बदलेगी। ये तो जितनी साधना बढ़िया होगी, है ना, इसको घांट बांध लीजिए, जितनी साधना बढ़िया होगी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिया अच्छी होगी। जितनी अच्छी साधना होगी उतनी ही जीवन के प्रति परिपक्व दृष्टि पैदा होगी। और यदि दृष्टि बदल जाती है तो फिर तो धीरे धीरे कर्म भी बदल जाते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं, समय लगता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए, और ये गुरुजी बार बार ये बात कहते रहे हमारे, कि यदि किसी साधक को ये पहचान करनी होवे, हाँ जी, कि मेरी साधना में उन्नति हो रही है या नहीं, तो वो अपने व्यवहार से ना नापे। पहली बात तो यही पहले गड़बड़ी होती है। हमको ज्यादा धन मिलने लगा, हमको लोग ज्यादा चाहने लगे, हमारी पब्लिसिटी अच्छी है, ये फिर आप उलझ गए। जिसकी साधना अच्छी नहीं है उसके पास में भी ये चीजें हैं। अच्छा देखो आप, जो साधना से हीन व्यक्ति है क्या धन उसके पास नहीं है? है। वो पॉपुलर नहीं है, बहुत बड़ा पॉपुलर है। उसके पास लोग नहीं है, बहुत लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दृष्टि अच्छी है, उसकी साधना अच्छी, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो अन्य चीजों से भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए साधना अच्छी है ये तब पता लगेगा जब जीवन के प्रति मान्यताओं में क्रमण होता है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। हो सकता है व्यक्ति आपसे ये कहे कि आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, और स्वागत है बदलने का, जरूर बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो फिर उन्नति क्या है?
तो जीवन के प्रति दृष्टि परिवर्तन यदि हो रहा है तब समझना कि साधना में परिवर्तन है, फिर तो बढ़ रही है। अच्छा, इसी दर्शन में मैंने ये बात छेड़ी थी कि तीन प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है दर्शन के लिए। कभी आप दर्शन पढ़ेंगे तो जो आपके नौ दर्शन हैं, है ना, वैदिक भी अवैदिक भी आस्तिक भी नास्तिक भी, जो भी दर्शन की कोटि में आता है जिसको आप फिलॉसफी बोलते हैं, उनको इन तीन प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और तब वो दर्शन की कोटि में आते हैं। पहला प्रश्न मैंने कहा था, मैं कौन हूं, इसका उत्तर देना आना चाहिए। भले ही आप ये कहें कि मैं पंच महाभूत का एक लोथड़ा मात्र हूं, ये भी ठीक है, कम से कम ये दृष्टि तो है, कुछ तो है, कम से कम बता तो सकते हैं कि मैं अपने आप को ये समझता हूं। जैसे कल वो कह रही थी ना, देहो देहो हम इति जड़स्य बुद्धि, विवेक चूड़ामणि है, जीवो हम इति ये उसकी दूसरी बुद्धि है। ये एक से दूसरी मान्यता में मैं आपसे बताऊं वर्षों लग जाते हैं। देहो हम इति जड़स्य बुद्धि, मैं देह हूं, ये बहुत जड़ बुद्धि का प्रतीक है। जीवो हम इति, ओहो ये तो थोड़ी साधक की बुद्धि, क्योंकि जीव शाश्वत है, जीव नित्य है, लेकिन इसके ऊपर का एक और सत्य है कि मैं आत्मा हूं, ये उससे भी ऊपर का सत्य है। तो मैं कौन हूं इस पर विचार जरूर होना चाहिए यदि दर्शन की कोटि में आता है तो। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जहां मैं रहता हूं उस क्षेत्र का, उस जगत को कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, कब आया, कब लीन होता है, मुझे जगत के बारे में पूरी दृष्टि चाहिए। ये जगत किसने बनाया, कहां से आया, क्यों आया, तो जगत के संबंधी कैसा प्रश्न हो गया। दूसरा, मैं कौन हूं, जगत कौन है, जगत कहां से आया, और तीसरा है, ये जगत स्वतंत्र है, परतंत्र है, ये जगदीश्वर किसका नाम है। देखो जी, जगदीश्वर कौन है, सुना है कि वो जगत का ईश्वर है, कौन है ये जगदीश्वर, मतलब भगवान। ये तीन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मैं कौन हूं, जगत क्या है और जगदीश्वर क्या है। तत्वबोध ग्रंथ ही तीनों का परिचय आपको दे देता है। हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, जो जीव है और जो ईश्वर है और तीसरा और जोड़ लीजिए और एक है आत्मा, और कौन है, आत्मा। ये तीन तीन नहीं है, एक है। किसको किसको कहा गया, एक जीव को, ईश्वर को, आत्मा को। जब उस चैतन्य में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका नाम आत्मा है। निरुपाधिक चैतन्य उसी को आत्मा कहते हैं, निरुपाधिक सत्ता को आत्मा कहते हैं। उसी निरुपाधिक सत्ता में जब अविद्या की उपाधि लग गई, तो ध्यान रखना जीव आत्मा से अलग नहीं है, उसी आत्मा को अब मैं क्या कहने लगा, जीव।
यदि ये वेदांत नहीं समझा तो हम समझते हैं आत्मा अलग है और जीव अलग है। उसी आत्मा का नाम जीव पड़ गया जिस दिन आत्मा में अविद्या की उपाधि लगी। उसी आत्मा में माया की उपाधि लग गई। माया की उपाधि लग गई उसको ईश्वर कहते हैं। सब खेल किसका है? उपाधि का। बोले अच्छा आप महाराज ये बताओ ये उपाधि क्या है? अच्छा ये अच्छा प्रश्न है। उपाधि मतलब आप क्या समझोगे, कैसे समझोगे? एक्चुअली में जब आप वेदांत पढ़ेंगे अच्छा तो विशेषण अलग है और उपाधि अलग है। ये थोड़ा टेक्निकल है। संयुक्त हो गए ऐसा कह रहे हैं तो वो जो संयुक्त हुई वो एक रही कि अलग अलग रही है? देखो उपाधि मतलब क्या? वेरी गुड। एक परिभाषा मैं आपको देता हूं जो बड़ी पुरानी परिभाषा थी गुरु जी की। उपसमीप, कठिन लगे फिर से पूछिएगा, वर्तिन वस्तुनि उपसमीपे वर्तिन वस्तुनि स्वगुणान आधीयते यह सह उपाधि। संस्कृत के शब्द छोटे हैं महाराज और दर्शन से भरे हुए हैं। इतना अगर आपने रट लिया ये समझ में आ गया तो भी मैं फिर से रिपीट करता हूं। उपसमीपे वर्तिनि वस्तुनि स्वगुणान आधीयते यह सह उपाधि। बोले ये क्या है? एक वस्तु है कोई, उसके समीप कोई जब दूसरी वस्तु रखी गई, उस दूसरी वस्तु ने अपने गुणों का आधान पहली रखी हुई वस्तु में कर दिया, जबकि वह गुण पहली वस्तु में है नहीं। ठीक है, क्या कहा गया? एक वस्तु है। अच्छा वो वस्तु उदाहरण लेते हैं वेदांत में, स्फटिक का शिवलिंग। एक वस्तु है ये स्फटिक मान लीजिए है ना, और इसका और बढ़िया शिवलिंग श्रीयंत्र वो रख दीजिए, और उसके बगल जपाकुसुम लाल गुड़हल पुष्प रख दिया आपने। अब क्या हुआ? हाँ? क्या शिवलिंग लाल हो गया? क्यों दिख रहा है जबकि वो है नहीं? तो ये लालिमा कहां से आ गई? पुष्प से। क्या वास्तव में गई? तो फिर कैसे आ गई शिवलिंग में लाल? समीप है। उसके रहने के कारण वो जो पहले वाली वस्तु थी अब हमें वो कुछ अलग अलग सी नजर आती है। ये किसका काम है? ये उपाधि का काम, इसको उपाधि कहते हैं। अब देखो आप ये जो आपने लिखा है समझ में आता है? उपसमीपे वर्तिनी वस्तुनी स्वगुणान, स्वगुणान मतलब अपने गुणों को आधीयते, उस पास वाली जो रखी वस्तु है उसमें क्या कर दिया?
डाल ले, बन गया। इसको बोलते हैं उपाधि। वो तो आत्मा था लेकिन उपाधि जीव, उपाधि अविद्या की लग गई तो वो क्या बन गया? जीव। उपाधि माया की लगा दी तो वो क्या बन गया? ईश्वर। और वो सब उपाधि हटा दे तो न तो जीव है न तो ईश्वर है, वो आत्मा है। अभी रात की गहरी नींद से जब आप उठे प्रातः काल, जब गहरी नींद सो रहे थे तब किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं थी, लेकिन जैसे ही उठे तो सबसे पहला जो तादात्म्य किया वो किसे किया? शरीर से। मैं पुरुष और मैं स्त्री। फिर और तादात्म्य किया, मैं गुरु, मैं शिष्य, मैं पिता, मैं पुत्र। ये सब, ये जो नाटक हो रहा है ये रात में कहाँ गया था? ये रात में कहाँ गया? बन गया। इसका मतलब आप इसके बिना भी थे और ज्यादा अच्छे थे, आनंदित थे, फ्रेश हो गए उसी में। उसी की तलाश रहती है दिन भर कि वो जो ऐसा आनंद है बिना उपाधि के वो मिल जाए। हर आदमी यही तो चाह रहा है ना, एक ऐसी नींद चाहता है। से पुराने महात्मा लोग उदाहरण देते हैं कि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है, उसके पास बड़ा केबिन है और एसी है, बेड है उसके अंदर, ईमानदार है, लेकिन उसको नींद नहीं आती वहां। लेकिन वो अपने अपने किराए के कमरे में आया और एक टेबल फैन चालू कर लिया, खड़खड़ खड़खड़ आवाज कर रहा है, और अपनी एक लुंगी और तहमत पहनी और अपनी खटिया पे लेट गया, और उसको वहां पे क्या आ रही है? वो बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। अब प्रश्न है, सुख और सुविधा तो वहां ज्यादा थी ना, तो यहां इसको चैन की नींद क्यों आ रही है? क्योंकि ये किसी उपाधि से ग्रसित, कोई बोझ नहीं है इसके दिमाग पर कि मुझे कोई देख रहा है, मैं अधिकारी हूं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए वेदांत तो ये कहता है जो सुख है वो किस में है? निरुपाधिक में ही है। लेकिन जो जगत वाले लोग हैं वो उल्टा कहते हैं, वो बोलते हैं जितनी उपाधियां होंगी उतना ही सुख होगा। वेदांत कहता है ये सच नहीं है। वो थोड़े समय अच्छा लगता है, उसके बाद वो जो टोपी होती है, कभी आपने वो की है क्लाइंबिंग, वो पर्वतारोहण, कोई चढ़ाई चढ़ी है ना? तो जब चढ़ते हैं उसके पहले क्या क्या होता है? अरे महाराज, पानी की बोतल, चिंगम लेके, काला चश्मा लेके, टोपी लेके, क्या डंडा लेके, क्या उत्साह रहता चलते समय। आप केदारनाथ की चढ़ाई पहले करो, क्या उत्साह रहता, बम बोले और जय बोले जैसे। लेकिन जैसे 3, 4, 5, 7 किलोमीटर चल लेता है, सब भोलेनाथ अंबे मैया सब धीरे धीरे फिर बुलवाना पड़ता है आदमी को, कहाँ गया वो सब। और धीरे धीरे बस चले उसका तो वो टोपी भी फेंक देता है, पानी की बोतल भी फेंक, कहीं प्याऊ से पी लेंगे, बोले उसमें क्या है, टोपी भी फेंक दिया, चश्मा भी हटा दिया, जो और कपड़े थे वो भी क्या कर दिए, वो जो एक बैग रहता है वो भी भारी पड़ता है। ये क्या इशारा कर रहा है? उस परमात्मा से मिलने जो जा रहे हैं ना, ये सब कुछ काम में आएगा नहीं। मिलन तभी होगा जब ये सब चीजें क्या कर देंगे? छोड़ देंगे।
उपाधि लेकर मिलन नहीं हो सकता, इसको छोड़ना पड़ेगा। शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है ये सब, वही बोझा है। अच्छा, जिसको छोड़ रहा है शहर से उसी की तैयारी करके आया था, खरीद के आया था, 3 दिन शॉपिंग की थी, जिस चीज को छोड़ा है उसी के लिए शॉपिंग की थी उसने कि वहां जाएंगे तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और वही चीज उसने सबसे पहले क्या की, छोड़ी। यही सत्य है जीवन का। जितनी उपाधियां हमने ओढ़ी हैं ये सब दुख के अलावा और कुछ नहीं देने वाली, कुछ नहीं देने वाली। कभी ऐसा सोच के देखिएगा। अच्छा, अब उपाधि, कई कई उपाधियां ऐसी हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते। वेदांत कहता है ऐसा करो, वेदांत देखो कितना अच्छा शब्द बोलता है, करो लेकिन अंदर से सच मत मानना। बोले ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हो, यहां भक्ति भी बड़ी मदद करती है, बहुत मदद करती है। धन होने के बावजूद मैं धनी अनुभव करूं या ना करूं, ये आपके हाथ में, सोच के देखो जरा। धन होने के बावजूद मैं अपने आप को हो सकता है धनी अनुभव ना करूं। हम ये कहते हैं ये जो कुछ मिला है ये किसने दिया है, भगवान ने दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। सच बात तो ये, दुनिया वाले जबरदस्ती की ये बातें करते हैं। अच्छा, आप धनी का तो छोड़ो, मैं विद्वान का अनुभव आपको बता सकता हूं। विद्वता का साफ अनुभव, यदि वो विद्वान अगर अपने ऊपर नजर डाले तो वो ये कह सकता है कि ये जितना भी ज्ञान राशि है ये सब की सब किसकी है, गुरु की है, ये उस ईश्वर की है, उस उपासक की है, ये संतों की है। तो बोले बोलते तो आप ही हो। बोले बोलते हैं ये तुम्हें दिखता है, मेरी नजर में मुझे कोई बुलवाता है इसलिए बोलते हैं। ले तो बोलते हुए भी उसने वक्तापने के अभिमान को नहीं ओढ़ा। ये जीवन जीना आना चाहिए। जैसे कि मैं पिता बना तो जितना मेरा कर्तव्य है उतना ही उसका क्या किया जाए, पालन किया जाए। जहां हम उसमें इतने इंडल्स हो गए ना, फिर अपने अस्तित्व को हमने बुला दिया, फिर तो तकलीफ प्रारंभ हो जाती है। फिर हम अपने आप को भुला कर उसमें मर्ज कर देते हैं, तो फिर गए काम से आप। यही वेदांत मदद करता है। हर चीज की अपनी क्या है, एक लिमिट है, उस लिमिट में ही करो तो आप सुखी रहोगे। जहां तक कोई कोई उपाधियां ऐसी हैं जिनको आपको निभाने की आवश्यकता, इसको इंग्लिश में सबसे अच्छा शब्द है फॉल्सिफाई। एक और उदाहरण देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। अरे राम, आकाश की नीलिमा दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो क्या नीलिमा है वहां? तो अब आप कैसा व्यवहार करते हो? अच्छा, ये अभी जो नीलिमा दिख रही है इसके प्रति क्या आपकी दृष्टि है? दिखते हुए भी आप ये मानते हो कि ये सच नहीं है। इसी तरीके से वेदांत में सब कुछ करते हुए भी अंदर से व्यक्ति असंग की साधना करे। इसीलिए कहा गया असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये साधक के लिए हथियार है, ये हथियार है। जितनी असंगता की साधना होगी उतना ही परमार्थ अच्छा बनेगा।
और जितना ही हम अटैच होके करेंगे, ओहो हो, तो सच नजर नहीं आएगा आपको। तो फिर से आना, आत्म चैतन्य एक है, वह जो दोष जो भाषित हो रहा है वो उपाधि के कारण है। वो कौन सी उपाधि है? बोले माया की उपाधि से उस चैतन्य का नाम ईश्वर है, अविद्या की उपाधि से उसी का नाम जीव है। बोले ये दोनों अलग अलग हैं कि एक? बोले दोनों एक हैं। कैसे? बोले देखें, बोले देखो वेदांत में एक प्रक्रिया है महावाक्य शोधन। महावाक्य यहां पे कौन से ले आ गया? तत्त्वम असि। तत् मतलब यह है कि जो इंद्रिय से ज्यादा, इंद्रिय से परोक्ष है, जो आपके सामने नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? तत्। तत् मतलब वह। और जो मेरी इंद्रिय के सामने है उसको क्या बोलते हैं? त्वम, सामने। स्पष्ट हो गया? आपकी पत्नी, आपके पति इस समय क्या हो गए? तत्। और आप क्या हो गए? त्वम। मैं क्या हो गया? त्वम। लेकिन जैसे ही मैं इधर गया तो मैं फिर कौन हो गया? तत्। एक सत्ता है वह और एक सत्ता है यह। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको कह रहा हूं, अगर आपको और अच्छा सुनना हो। इसलिए मंत्र है पूर्णम अदह, पूर्णम अदह पूर्णम इदम। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। बोले दो तो हो ही नहीं सकते पूर्ण। बोले ये दो नहीं है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। ये जो पूर्ण है ये पूर्ण से ही निकला है। पूर्ण को वापस ले लो तो पूर्ण में वावशिष्यते, तो क्या रह जाएगा? पूर्ण ही रह जाएगा। ये एकत्व समझ में आ जावे। इसलिए कल उस दिन मैं कह रहा था लक्ष्यार्थ समझिए और वाच्यार्थ समझिए, तो समझ में आएगा कि ये दो सत्ताएं नहीं हैं, ये कैसी हैं? एक। तो वह जिसको, ब्रह्म को जो हम लोग सुनते हैं तो हमारे मन में आता है वह वह वह। ये गुरु के उपदेश से ये समझ में आ जाए वह वह नहीं है, वो जो वह है वो कौन है? वो यह है। ये अगर हो गया तो वेदांत का कार्य हो गया। वह जो अखंड सत्ता है ब्रह्म की, वो वह नहीं है, वो कौन है? वो तुम हो। कई बार संत लोग ऐसे कहते हैं कि वह जो गुरु है वह उपदेश करता है तत् त्वमसि, तो शिष्य उत्तर देता है अहम् ब्रह्मास्मि। ये संवाद है तत् त्वमसि, वह तुम हो। शिष्य कहता है अहम् ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म। बन गया? ये तब है जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को दोनों को क्या किया जाए? अलग अलग करें। ये स्पष्ट हो गया आपका? चौथा चैप्टर और जीव और ईश्वर समझ में आ गया, पांचवा हो गया तत्त्वमसि। अब देखो, और जिसने इसका शोधन करके जीवन में उतार लिया उसका नाम है जीवन मुक्त। देखो, एक मुक्ति ऐसी है जो मरने के बाद में, मरने के बाद, वेदांत ये कहता है मरने के बाद मुक्ति मिली तो एंजॉय क्या किया? तो वेदांत की जो मुक्ति है वो क्या है? जीते जी मुक्ति। इस जीते जी मुक्ति को क्या बोलते हैं? जीवन मुक्ति। जीते जी यहीं पे मुक्त हो जाओ। कौन मुक्त हुआ?
जिसने इस तत्त्वम असि पद का शोधन किया, जिसने इसको जान लिया, बोले उसके जीवन में क्या फल होता है, क्या मिला उसको इतनी बड़ी चीज करने से, बोले देखो ये सातवां चैप्टर। ब्रह्म मिला है सबको किताब, ब्रह्म एव अहम अस्मि इति, तोड़ तोड़ के पढ़ा, मैं ब्रह्म ही हूं, एव लगा दिया, मैं मनुष्य भी हूं और मैं ये भी हूं फला, ना 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 ना, अहम ब्रह्म एव अहम अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, ये ज्ञान हो गया, स्पष्ट हो गया, मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान हो गया। बोले इसका क्या होगा, बोले ऐसे व्यक्ति का निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्त, जितने भी इसके कर्म के बंधन थे हाँ जी महाराज वो सब के सब छूट गए। बोले इतने ज्ञान से, बस इतने बोध से, हाँ बोले इतने बोध से, कितने बोध से, मैं ब्रह्म हूं। बोले महाराज ये बोध तो मुझे भी है, ये बोध तो मुझे भी है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा ये, क्या कहोगे, क्या उत्तर दोगे, ये बोध तो मुझे भी हो चुका है, मैं ब्रह्म हूं। देखो जो हम लोगों को ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, यहां पे शब्द ध्यान रखना क्या लिखा है, अपरोक्ष ज्ञान है ना, ये छिपा शब्द है। हम लोगों को जो ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। बोले अब ये कोस चिड़िया का नाम है, अपरोक्ष ज्ञान का मतलब क्या हुआ, जो ज्ञान कभी भी बाधित नहीं होता ऐसे ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान कभी बाधित नहीं होता, जिसको जो ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होता, उस ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। समझाने के लिए कह रहा हूं, है ना, सब व्यवहार करते हुए भी आपको ये बोध रहता है कि मैं मनुष्य हूं, हम मनुष्य, ये सबको दिखाते हैं क्या, ये सबको बोलते हैं क्या, किसी को बिना दिखाए बिना बोले हर व्यवहार में ये ज्ञान अनुस्यूत है अहम मनुष्य, तो ये कैसा ज्ञान हुआ। कोई आपको कितना बोले कि तुम जानवर हो, चलो और कर लें, मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं, ये ज्ञान कोई तोड़ सकता है आपका, लाख डॉक्टर भी आपको कह दे कि नहीं, तो आप कहेंगे आपको कुछ भ्रम है, मैं क्या हूं ये मुझको पता है। ये देखो अगर ऐसा आपको अपने प्रति बोध है तो इसको क्या बोलते हैं, अपरोक्ष बोध। इसी तरह से यह बोध हो जावे, क्या बोध हो जावे, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा बोध हो जावे, भाई मैं पुरुष हूं मैं सबको बताता थोड़ी ना हूं, लेकिन मैं पुरुष हूं तो मुझे खड़े रहना है कि बैठना है कि जगह देनी है, क्या बोलना है कैसे बोलना है, सब व्यवहार उसके कारण हो रहा है, किसके कारण, मैं पुरुष हूं। इसी तरीके से उसने अपने आप को क्या समझ लिया, मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान ध्यान रखना, ये कैसा ज्ञान होना चाहिए, अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। हम लोग कौन से ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, कोई ब्रह्म है सही है, लेकिन बोले वो तुम हो, बोले इस बात में संदेह, और कभी कभी दुख इतना आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं ये सब ज्ञान क्या हो गया, किनारे हो जाता है। देखो जी यही सच है, काहे का ब्रह्म, बोले लेकिन अगर ये अपरोक्ष बोध हो गया है
क्षण मात्र के लिए हो सकता है कभी ऐसा होवे। मैं अच्छा उदाहरण है वशिष्ठ ऋषि का। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं और उनके पुत्र शक्ति के मरने पर वो आत्महत्या करने चले महाराज नदी में। तो लोग, ये ब्रह्मज्ञानी ये आत्महत्या कर रहा है, जैसे दो क्षण हुआ उनको समझ में आ गया, हो ना 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 ये सही नहीं है, और वो फिर से अपने ज्ञान में निष्ठ हो गए। एक श्लोक मुझे आधा अधूरा याद आ रहा है, मैंने अपने उस पर चिपका रखा है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। ब्रह्म कृष्ण वशिष्ठ शुक त्यागी, स्वामी जी ने ऐसा बोला है। जनक भी ब्रह्मज्ञानी है, सुखदेव जी भी ज्ञानी है, सबकी ज्ञानियों की कोटि है। एक भोगी है, एक त्यागी है, लेकिन ध्यान रखना भोग करते हुए भी उनका जो ज्ञान है वो क्या है, हम ब्रह्मा। त्याग करते हुए भी जो ध्यान है वो क्या है, वो अगर देख लो, वो उसकी फोटो खींच लो जाके, वो जाम पढ़ते होंगे, लॉक ना हो, जाते जाते लॉक हो जाएगा। तो देखो, इस बोध को मैं कह रहा हूं अपरोक्ष बोध, बस ये याद रख लेना। हम लोगों का जो बोध है वो अपरोक्ष बोध नहीं है, ध्यान रखना। कैसा है, परोक्ष। परोक्ष मतलब है, मानते हैं, लेकिन वो मैं हूं ऐसा बोध नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं, ब्रह्मा एव अहम् अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्। उसके अंदर ये अपरोक्ष बोध जागृत हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हूं। ये बोध जागृत हो जाए जिस दिन होता है, गीता की भाषा में बोलें तो उसके कर्मों में आग लग गई, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। कौन सी अग्नि, ये अपरोक्ष ज्ञान की अग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, पूरे के पूरे कर्म नाश हो गए महाराज। ये कौन सी अग्नि है, बोले ज्ञान की अग्नि है। देखो जी, कौन सी ज्ञान की, ब्रह्मैव अहमस्मि इति, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान की अग्नि। क्या हुआ, निखिल कर्म बंधने ही विनिर्मुक्त स्यात्, वो कर्मों से क्या हो गया, वो आजाद हो गया। महाराज शिष्य सुन रहा था बड़े प्यार से, उसने बोला ये क्या बोल दिया आपने, निखिल कर्म बंधन, सब कर्मों के बंधन से आजाद हो गया। तो क्या कर्म भी बड़े प्रकार के होते हैं, कर्माणि कतिविधानि संति इति चेत, मिल रहा है सबको, कर्माणि कतिविधानि, कर्म कितने प्रकार का होता है। गुरु कहते हैं कर्म बेटा तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानी संति, तीन प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से, आगामी संचित और इसको ऐसे खींचते ना, ऐसे लंबे में खींचते, हाँ? शुक त्यागी, देखो जो सुखदेव जी हैं वो कैसे हैं, त्यागी, शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, वाह, शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्राहा,
और जो जनक जी वो क्या है, वो राजा है, नरो में इंद्र है। शुकत्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्राहा वशिष्ठ कर्मनिष्ठश्च। वशिष्ठ जी कैसे हैं देखो, सबका जीवन अलग अलग दिख रहा है। सुखदेव जी महाविरक्त हैं, कृष्ण तो बड़े भोग में कितना सारा दिखता है जीवन। राजा जनक राजा हैं, वशिष्ठ जी कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं। वशिष्ठ कर्मनिष्ठ सर्वेशाम ज्ञानी नाम समानम उक्ताहा, इनको क्या कहा गया, सभी ज्ञानी कैसे हैं, एक हैं। सर्वेशाम सभी, सभी मतलब कौन, सुखदेव जी कृष्ण जी जनक जी, सर्वेशाम ज्ञानी नाम समानम उक्ताहा, सबको क्या कहते हैं, एक ही है। लेकिन हमको बाहर के रंग से कैसे दिखते हैं, अलग 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 दिखते हैं। अच्छा, तो क्या नाश हो गया, बोले निखिल कर्म बंधन ही। तो बोले ये निखिल कर्म मतलब क्या होता है, बोले तीन प्रकार के कर्म होते हैं, मिल गया। अब देखिए आगे, ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, ज्ञानोत्पत्ति ज्ञान हो जाने के बाद, ठीक है, ज्ञानोत्पत्ति भाई रहेगा तो जिएगा तो जरूर, मर जाएगा क्या, जैसे ये जो सोचता है जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने बड़े जीवन जिए हैं, वो तो प्रारब्ध है, उसका जितना हैगा उतना जिएगा, और होना होगा तो उसी समय मर जाएगा। ज्ञानों उत्पत्ति अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद में, ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति। भाई वो ज्ञानी था तो मंदिर तो गया, तो मंदिर जाने से क्या हो गया, तुमको नहीं चाहिए वो ठीक है, लेकिन वहां तो हिसाब किताब नोट हो गया, क्या हो गया, इसने पुण्य किया और कुछ गलत कर दिया उसने अंदर से उसने नहीं किया, लेकिन वो नोट क्या हो गया, पाप। ये कब हो रहा है, ज्ञानोत्पत्ति। भाई जीवन तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यद अस्ति, जो भी कुछ है तद आगामी इति अभिधीयते, उसको क्या कहते हैं, उसको आगामी कर्म कहते हैं। हालांकि वो उसका खुद का नहीं है, लेकिन फिर भी किया तो है उसने, बन गया, तो वो कर्म कौन सा कहलाएगा, आगामी। अच्छा फिर देखो आप, संचित कर्म किम अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूतम सन। अब हम लोग अनंत कोटि, देखो अनंत कितने सारे जन्मों से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, कर्म करते आ रहे हैं, और वो कर्म क्या है, बीज के रूप में विद्यमान है। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के जो बीज हैं, ध्यान रखना यही बीज ही फल देने के लिए चालू हो चुके हैं। आप बोलते ना बैठे बैठाए चोट लग गई, ये किसने दिया, वो संचित ने निकल के प्रारब्ध बन के आ गया। अच्छा उल्टा भी तो है, हमको फायदे की उम्मीद थी नहीं इतना, बैठे बैठे थोड़ा ज्यादा फायदा हो गया, कहां से हो गया, निकल के आया। इसलिए ये कहना कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है वो सच नहीं है, वो आप ही का किया हुआ पहले से क्या है सब कुछ। कितने हैं, ज्ञान अनंत कोटि जन्म नाम, लेकिन फल रूप में नहीं हुआ, कैसे, बीज भूतम, बीज रूप में विद्यमान है। यत कर्म जातम पूर्वाजितम तिष्ठति, वो पूर्व के किए गए कर्म हैं वो सब सेव हो गए बीज के रूप में, वो पूरी झोली को क्या कहते हैं, संचित की झोली, ठीक है।
स्पष्ट हो गया, लेकिन ये कैसे हैं? बीज रूप में है। अच्छा, कितने कर्म हो गए? आगामी, संचित, प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म किमिति चेत, गुरुजी हाँ, ये प्रारब्ध कर्म क्या है? इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके, जो ये शरीर तुमको प्राप्त हुआ है वो किसके कारण प्राप्त हुआ है? प्रारब्ध के कारण। जो तुम ये सुख दुख भोग रहे हो वो किसके कारण भोग रहे हो? प्रारब्ध के कारण। वही संचित पक गया, पक गया, और पक के क्या मिल रहा है आपको? फल दे रहा है। ध्यान रखना, झोली कौन सी है? संचित। उसी में से पक गए, और पक पक के क्या करने लगे? गिरने लगे। तो फल तो दो ही होते हैं सिर्फ, या तो सुख या तो, तीसरा कोई फल नहीं होता। जो कर्म है वो दो ही होंगे, या तो सुख या तो दुख। वो पक पक के महाराज गिरने लगे। अच्छा, फिर अब तत् प्रारब्धम भोगेन नष्ट भवति, ये याद रख लेना। चाहे ज्ञानी ही क्यों ना होवे, उसको प्रारब्ध को तो क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है ज्ञान के बाद उसको बड़ी इज्जत मिलने लगे, और हो सकता है उसको कोई ना पहचाने, ये भी संभव है। चुपचाप एकांत में बैठा रहे, कोई नहीं जानता उसको, हो सकता है पूरी दुनिया जानने लगे उसको। तो क्या करना पड़ेगा? उसको अपने इस प्रारब्ध को क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़े। और बोल दें उसको रोग आते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, भगवान शंकराचार्य, मृत्यु सबकी पढ़ना जरा आप कभी कभी। भगवान शंकराचार्य तो एक कपाली लेके चला गया मारने। बोले चलो हमारे मारने से तुमको सिद्धि मिल जाए तो मार डालो मुझको, ले गया। और उसके शिष्य को पता लग गया कि मेरे गुरु के साथ कोई गड़बड़ कर रहा है। वो महाराज चेला गया, पीछे रात में देखा कि मेरे गुरु को ये मारने के लिए उसने उठा के उस कपाली को ही मार दिया थर के। गुरु ने कहा आप इसको क्यों मार दिया? तो बोले महाराज जी आपको मार रहा था। क्या गुरु की दृष्टि, वो तो चले गए सीधे, चलो भाई तुम मार लो मेरे को। संतों के जीवन को पढ़ना, उसमें बड़ी निष्ठा बनती है। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते थे कई बार रोग दिनचर्या के कारण नहीं है, कई बार रोग प्रारब्ध के कारण होते हैं। वो दवाई से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उसको अपना भोग तो देना ही है ना। प्रश्न है ये रोग हुआ ही क्यों? ये रोग हुआ ही, जिनकी अभी हम परसों कहानी सुना रहे थे, आज भी मैं सुबह वीडियो देख रहा था नहाते समय, एक आजकल बहुत वायरल हो रहे ना, येलो ड्रेस में रहते, बड़ी बड़ी दाढ़ी, स्वामी प्रेमानंद, देखा होगा आपने, अच्छा उपदेश करते हैं भक्ति का, बहुत बड़ी है वृंदावन के, दोनों किडनी नहीं है, डायलिसिस पे चल रहे है। कभी भी आज मुझे तो वो वीडियो लग रहा था, अभी का था, आखिरी में कुछ कुछ बोल रहे थे, वो शरीर का तेज उड़ा हुआ था, लेकिन डायलिसिस से एकदम आया हुआ आदमी, दोनों किडनी नहीं है। अब मुझे लगता है कौन सा मांसाहार और कौन सा भोगी जीवन जिया उन्होंने, जीवनी पढ़िएगा उनकी। काशी में सिर्फ 10 मिनट के लिए भिक्षा मांगते थे, वो भी सिर्फ 4-5 घर में, न मिली तो बोले गंगा जी के दे, जिन मांगना नहीं इसके बाद, और एक बार बैठ गए तो बैठ गए तुलसी घाट पर। उस व्यक्ति की दोनों किडनी चली गई, और एक वो जो बलात्कारी और दुराचारी है, बड़ा टन्नस होके घूम रहा है, खूब रात दिन ड्रिंक भी कर रहा है, और यहां एकादशी का उपवास कर रहा है, पूर्णमासी कर रहा है, उसके शरीर को रोग लग रहा है। भैया इसका कारण
आपका प्रारब्ध है। इसलिए संत लोग ये कहते हैं कि प्रारब्ध से छेड़छाड़ मत करो। मान लीजिए मैं ऐसा कहूं कि बदल भी दें, चलो संत में ऐसी दम है, लेकिन ध्यान रखना कर्म ये कहता है महाराज आप लेके तो आ गए वीटो पावर, तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मैं वक्त मिलने पर फिर से इसको दबचूंगा। अरे राम, उन्हीं चलिए आपको सुना देता हूं। मुझे आपको सुना रहा था वॉक पे, अच्छी कहानी लगी मुझे, सीख मिलती है। ये प्रेमानंद जी की कहानी सुना रहा हूं आपको। तो उन्होंने शायद किसी संत का सुनाया था, प्रारब्ध। तो महाराज उनके कोई एक संत थे, वो जो घाट हैं वृंदावन में, उस घाटों में लोग दिन भर गंदगी करके चले जाते, कपड़े लेटरिन बाथरूम सब। तो वो संत 3 बजे से सफाई करते थे, 6 बजे तक, 7 बजे तक चकाचक घाट साफ करते थे, लेटरिन बाथरूम कपड़ा वपड़ा सबका फेंक फाक के पूरा घाट को नहा धुला के फिर अर्चना पूजा करते थे। ऐसा नियम था और ये नियम वर्षों का चला आ रहा था, और इस वर्ष कभी भी उन्होंने खंडित नहीं किया इस नियम को। किस नियम को? घाट को 3 बजे उठ के साफ करना, चकाचक करना, लोग आते थे अपना बैठ के अपनी उपासना करते थे, शांत पड़े थे, बहुत सारे चेले चापड़ थे। एक दिन की बात है, जब वो उपासना कर रहे थे प्रातः काल, तो एक बड़ा दीर्घ काला सा व्यक्ति सामने प्रकट हो गया, बड़ा डरावना सा व्यक्ति था। कौन हो तुम? बोले महाराज मैं आपका प्रारब्ध हूं। अरे मैं बहुत देर से, बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं और मैं बहुत परेशान हो गया हूं, क्या समस्या है? आपको भोग देना है। क्या भोग देना है? आपके पूरे शरीर में ऐसा कोढ़ करना है मुझे कि आपकी मृत्यु उसी से हो। कोढ़ रोग मुझे देना है, पूरे शरीर में देना है आपको कोढ़। अच्छा, बोले ये आपका प्रारब्ध है, बट आप आने नहीं देते, सदैव दैवी सत्ता से लिप्त रहते हैं, तो मैं एंट्री नहीं कर पाता। तो बोले आप क्या चाहते हो? अब मेरा काम है। बोले महाराज मैं दिए बिना जाता नहीं हूं। तो बोले अच्छा कितना प्रारब्ध है? बोले 12 वर्ष तो आपके कोढ़ है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ओ, उन्होंने गरिया के बोला 12 वर्ष तो मैं कोढ़ में पड़ा रहूं और कोई पूजा पाठ ना कर पाऊं, भाग जाओ यहां से। बोले भाग गया वो। दूसरे दिन आया, महाराज कृपा करो मैं आपको एक छूट दे देता हूं, 12 वर्ष को 6 वर्ष में कर लेते हैं, अब तो मान जाइए। फिर गरियाया उन्होंने कस कस को, बोले पड़े रहेंगे 6 महीने पूजा पाठ, भाग जाओ यहां से। फिर से वो तीसरे दिन आया, 6 महीने तक उसने बोला चलिए 6 महीना निपटा देते हैं। बोले मैं तो बिना पूजा पाठ के 6 महीने रह नहीं सकता। वो कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं तो आपको अंत में वो कहता है महाराज आप माफ करो, 1 दिन में निपट, लेकिन मेरी एक शर्त है, 12 साल का पेन आपको 1 दिन में दूंगा, लेकिन मेरी यह शर्त होगी कि किसी शिष्य से कोई प्रार्थना और कोई अनुष्ठान और भगवान का नाम भी नहीं लेंगे आप, क्योंकि फिर वो दर्द कम हो जाएगा। ओहो, और कुछ भी नहीं करेंगे आप, और तड़पेंगे तो भी आप ऐसा किसी को बुलाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा देखो अभी प्रातः काल हो रहा है, मैं अपनी संध्या कर चुका, अभी आ जाओ और कल 24 घंटे जब इसी समय हो तो मुझे छोड़ देना।
और जैसे उन्होंने बोला, महाराज इतना पीप और मवाद से दुर्गंध से शरीर भर गया। और उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि मैं चिल्लाऊं तो भी गेट मत खोलना, कोई गेट नहीं खुलेगा कल तक जब तक मैं खुद नहीं कहूंगा, और मैं चंद्र चिल्लाऊं तो चिल्लाने देना। महाराज बंद हो गए, खूब चिल्ला चोर, 12 साल का पेन एक दिन में 24 घंटे। और जैसे ही दूसरे वो प्रातः काल का समय आया, 24 घंटे पूरे हुए और वो जो सब रोग था वो क्या हो गया, गया। मैं इसलिए सुना रहा हूं, हमारे और आपके जीवन में भी जो दुख आता है वो किसके कारण, प्रारब्ध, तो उसको सह लीजिए। इसके सिवा और कोई है नहीं, आपको बताऊं, थोड़ा टाल देंगे इधर उधर करके तो फिर बाद में सहना पड़ेगा, तो क्या फायदा। अभी लोग अच्छे हैं, प्रारब्ध है, सत्संग है, अच्छे लोग जुटे हैं, गुरु हैं, सब कुछ हैं, तो उल्टा कर लें, अभी सह लेते हैं क्योंकि सब लोग हैं, मदद कर देंगे। कभी अकेले पड़ गए तो बन गया। इसलिए क्या बोलते हैं, तत् प्रारब्धम भोगेन नष्टः भवति। वो प्रारब्ध जो निकल गया वो ज्ञान से नहीं जाएगा, वो तो क्या करना पड़ेगा, प्रारब्ध कर्मणान भोगाद एव क्षय इति, मिल गया। प्रारब्ध कर्म को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ भोग से ही उसको क्षय करना पड़ेगा। सहो सहो और सहो बस। तो बोले महाराज तो ज्ञान का क्या हुआ, जो अपरोक्ष ज्ञान हुआ था हमको उससे हुआ क्या, उससे संचित कर्म, देखो झोली में ही आग लग गई है। बोले प्रारब्ध, बोले वो तो निकल चुका है ना, तो आएगा। शास्त्र क्या बोलता है, धनुष से तीर निकल गया है उसको वापस वो तो भोगना, लेकिन वाप अब कोई और तीर नहीं चलेगा, जो चला हुआ तीर है वो तो भोगना पड़ेगा। संचित कर्म ब्रह्म एव अहमिति, ध्यान रखना, निश्चयात्मक ज्ञानी न नश्यति। उस झोली में क्या लग गई, आग लग गई, ले अब सब कर्म क्या हो गए, ले खत्म। तो बचा क्या, बचा क्या, प्रारब्ध। अभी आगामी तो करेगा तो होगा तो, लेकिन संचित से जो प्रारब्ध निकल रहे थे वो सब क्या हो गए, बंद। तो मतलब सप्लाई क्या हो गई, खत्म। अब बचा कौन सा एरिया, अगला तो आपके ऊपर है, लेकिन एक है जो प्रारब्ध है उसको क्या कर लो आप, भोगादेव। इसलिए ये दिमाग में लाइए, कई कर्म हम लोगों को क्या करने हैं, सिर्फ क्षय करने, भोग से करने। अब वो ज्ञान के विवेक में कर लें, संत के विवेक में कर लें, दुष्कर्म भी आ जाते हैं कभी कभी, आपसे बताऊं, वो भी क्या कर लो, क्षय कर लो, कोई बात नहीं। अगले जन्म में तुमको ले जाएंगे तो यही कर लो उसको क्षय, तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति, आगामी कर्म भी ज्ञान से क्या हो गए, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आगे कर्म तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि उसका कर्तृत्व तो क्या हो गया, शून्य हो गया। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति किंच, लेकिन देखो वो करता जब है तो वो ऐसे करता है जैसे नलनी दलगत जलवत, जैसे कमल पानी में रहता है और कैसे रहता है, असंग। तो जो जीवन तो जीता है भाई, मर थोड़ी ना जाएगा, तो आप उसको परेशान करोगे तो अब कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा, कुछ तो मंदिर तो जाएगा, सेवा तो करेगा अपने गुरु की, पूजा पाठ तो करेगा, भले ही वो ज्ञानी हो गया हो, बोलते हैं। लेकिन वो सब ऐसे करता है जैसे क्या निकला होगा, कमल, उसका कोई संग उससे, तो बोले उसका होगा क्या, फिर उस कर्मों का क्या हिसाब किया जाएगा, वो
बोलते उस कर्मों का हिसाब देखो क्या है। जो लोग उस ज्ञानी की स्तुवंती भजंती अर्चयंती, देख लो तीन चीजें की नहीं, जो लोग उस ज्ञानी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, अर्चयंती अर्चना करते हैं, तान प्रति ज्ञानी कृतम आगामी पुण्यम गच्छति। वो जो पुण्य है वो किसको मिल जाता है? करने वाले को। कौन से? जिसने स्तुति की, जिसने सेवा की, वो ज्ञानी का पुण्य किसने दे दिया? उनको दे दिया। जा। लेकिन बोले उल्टा भी है। आहा, ये ज्ञानी नाम निंदंती, इसलिए कहा गया कभी किसी भी संत की विरोध है, बट आंतरिक रूप से ये ना हो जाए। हो सकता है आप उसके उस आचरण से सहमत, ये हो सकता है, गलत बात का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन एक वृत्ति, वो देखो द्वेष की वृत्ति ये है कि जब आप साधना में बैठे और वो आपको ध्यान न लगाने दे तो समझ लो ये कौन सी वृत्ति पैदा हो गई, द्वेष। जैसे आपका पुत्र, मान लीजिए वो पुत्र से किसी बात पर कुछ कहा सुनी हो गई, मैं उसके इस बात से, उसके आचरण से सहमत नहीं हूं, लेकिन जब आप पूजा में बैठेंगे तो थोड़ी ना कोई करेगा, ठीक है, लेकिन जब आएगा तो विरोध करेंगे। इसका मतलब आपने विरोध किया है उससे, द्वेष। लेकिन ये ज्ञानी नाम निंदंती, लेकिन यदि कोई ज्ञानी की निंदा, मतलब जानबूझकर दुष्यंती, और यही नहीं दुख प्रदानम कुर्वंती, क्या देता है उसको? दुख देता है। तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्व आगामी क्रियमाणम, ओहो उसका उसका जो पाप है वो किसको लग जाता है? जो उसकी निंदा और जो उसको दुख देता है। किसका किसका हिसाब हो गया? आगामी कर्म का हिसाब हो गया कि पाप और पुण्य में लग जाता है उसको जो दूसरा करता है। संचित कर्म में क्या लग गई? आग। और प्रारब्ध को वो ज्ञानी खुद क्या करता है? भुगतता है। तथा च आत्मवित संसारम तीर्त्वा, और ज्ञानी उस भोग को भोग कर इस संसार से क्या हो गया? तीर्त्वा, पार हो गया। ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति, और यही जीते जी इस ब्रह्मानंद को क्या कर लिया? उसने प्राप्त कर लिया। और ये श्रुति है तरति शोकम आत्मवित, के पंडिता, देखो भगवत गीता में भी यही बोला है, अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश नानु शोचन्ति, शोक नहीं है। ये कौन है? तरति शोकम, ये व्यक्ति शोक से क्या हो गया? कौन? बोले आत्मवित, जो आत्मा को जानता। इति श्रुते, ऐसा श्रुति कहती है। और यहां पर एक स्मृति कोट की है, तनुं त्यजतु वाका, जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो गया, देखो जी जिस व्यक्ति को हो गया, लोग बोलते ना कि काशी में मरने पर मुक्ति होगी, इस मुहूर्त में मरो तो इस शुक्ल पक्ष में मरो, इस कृष्ण पक्ष में मरो, भैया ये आपके हाथ में है क्या? और सीधी सी बात है, बोलते हैं स्मृति बोलती, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तनुं त्यजेत वा काश्याम, काश्याम मतलब चाहे तो वो अपना शरीर कहां छोड़े? काशी में। स्वपचस्य, स्वपचस्य मतलब चांडाल, दुष्ट व्यक्ति, क्या कहीं ग्रह में छोड़े, अपने घर में छोड़े। ज्ञान संप्राप्ति समये, जब वो ज्ञान प्राप्ति हुआ था
वो तो उसी समय उसके सभी कर्म के फल क्या हो गए, तो उसको तो उसी समय मुक्ति प्राप्त। काशी में मरे या गंगा के किनारे मरे, ऐसा उसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। कहीं मरे, क्योंकि जो होना था वो पहले ही क्या हो चुका, हो चुका। वो तो जीवन आगामी कर्मों के कारण चलना। और इसलिए आखिरी में क्या लिखते हैं, इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। यहां पर तत्वबोध देखिए फिर से स्टार्ट करिए। सबसे पहला, मैं तत्व विवेक कहने जा रहा हूं, लेकिन ये तत्व विवेक किसके लिए, बोले सबके लिए नहीं, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करे। बोले कौन से चार साधन चाहिए, बोले विवेक चाहिए। बोले हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बोले वो वाला विवेक नहीं, नित्यानित्य वस्तु विवेक। क्या नित्य है क्या अनित्य, वैराग्य फल की इच्छा न यहां होवे न वहां होवे, कोई स्वर्ग वर्ग की इच्छा नहीं होवे, बोले ये वैराग्य है। शम आदि षट संपत्ति, कितने प्रकार की, छह प्रकार की संपत्तियां, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और मुमुक्षत्वम, और क्या होवे, मुमुक्षा होवे। बोले आपने बोला नित्य अनित्य, बोले नित्यम वस्तु एकम ब्रह्मा तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। नित्य वस्तु कौन है, एक ब्रह्म है, उसके अलावा और सब चीजें क्या हैं, अनित्य। अच्छा बोले गुरुजी आप क्या ज्ञान दे रहे थे, बोले ज्ञान तो एक पंक्ति में है, आत्मा सत्यम तद अन्यत मिथ्या। आत्मा ही सत्य है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब झूठा, यही ज्ञान है। बोले आत्मा क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है, जो पंच कोशों से अलग है, जो तीनों अवस्थाओं से अलग है, साक्षी है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मा है। और फिर तो स्थूल सूक्ष्म शरीर बताया और पंच महाकोश बताया आपको, महाभूत बताए, सच्चिदानंद बताया, ये दूसरा चैप्टर हो गया पूरा। अब वो जो महाभूत बोले बताए थे वो उसका क्या हुआ, बोले उन महाभूत किससे निकले, बोलते ब्रह्म की एक शक्ति है माया, वो कैसी, त्रिगुणात्मक, उसी त्रिगुणात्मक माया से कौन निकले, ये सब तो कौन निकला, बोले पंच महाभूत निकले, हो गया आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। फिर बोलते हैं उनसे फिर ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई, हाँ, आ गया। फिर एक पंचीकरण की प्रक्रिया बताई थी, सभी के व्यष्टि व्यष्टि इंडिविजुअल सात्विक अंश से क्या हुई, ज्ञानेंद्रियां, समष्टि सात्विक अंश से क्या निकली, अंतःकरण। फिर राजसिक अंश से क्या निकले, कर्मेंद्रियां, समष्टि राजसिक अंश से क्या निकला, पंच प्राण। और फिर जब पंचीकरण की प्रक्रिया हुई तो ये स्थूल पिंड और ब्रह्मांड ये आया, कौन सा, ये पिंड और ये, तो ये क्या हो गई, पंचीकरण की प्रक्रिया। ये कौन सा चैप्टर हो गया, तीसरा। और चौथे प्रकरण में जीव और ईश्वर में क्या भेद बताया, उपाधि के कारण वह जीव है और उपाधि के कारण ही वो ईश्वर है, अविद्या की उपाधि के कारण जीव है, माया की उपाधि के कारण वो ईश्वर है। ये दोनों का एकत्व करो, बोलते हैं तत्त्वम असि। कैसे करें, बोलते हैं इनके विरुद्ध धर्मों को छोड़ दो, वाच्यार्थ को छोड़ दो, लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लो। क्या वाच्यार्थ को छोड़ दें, बोलते हैं भाई देखो ये जो जीव है और ईश्वर, तो ईश्वर में विशिष्टता क्या है, सर्वज्ञ सर्वेश्वरत्व, ये इसमें विशेषता है, इसको छोड़ दो। और जीव क्या बोलता है, मैं तो अल्प हूं, बोले ये भी वो भी छोड़ दे, तो दोनों क्या मिल जाएंगे, एक। तो क्या पता लग गया, वह जीव ही क्या है, आत्मा है।
हो गया ये। और ऐसा जो व्यक्ति विवेक करता है उसको क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त, जिसने ये विवेक को प्राप्त कर लिया उससे क्या होगा, निखिल कर्म बंधन ही विनिर्मुक्त, उसको तीनों कर्मों से क्या मिल गई, आजादी। तो संचित कर्म नाश हो गया, आगामी कर्म जो उसकी स्तुति करते हैं, जो अर्चना करते हैं उसके पुण्य उसको लग गए, और जो उसकी निंदा करते हैं उसको पाप लग गया। प्रारब्ध को ज्ञानी को भी क्या करना पड़ता है, क्षय करना पड़ता है। तो प्रारब्ध को क्षयेगा, भरेगा, सहेगा, आगामी उससे होने वाले नहीं हैं अब, ठीक है। और संचित कर्म में क्या लग गई, आग। बस जैसे उसका जीवन समाप्त हुआ और वो क्या हो गया, जीवन मुक्त पुरुष। और ये तत्वबोध प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग फिर से अपने पूज्य गुरुदेव, हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी, अन्य सभी संतों को प्रणाम करते हैं। उन्हीं की कृपा से ये संक्षेप में हम लोगों ने 5-6 दिन में इस ग्रंथ को भी यथामति जितना आ सकता था मैंने आपके सामने इसको रखा। उनके प्रति फिर से नमन करते हुए हम बार बार इस ग्रंथ को पढ़ें और इसकी सूक्ष्मता में अवगाहन करें, और वो आगे और आशीर्वाद दें कि हम लोग भी इस जीवन मुक्ति के पद तक क्या हो जाएं, पहुंच जाएं, जो रास्ते पे निकले हैं वो पहुंच जाएं, यही उनका आशीर्वाद होना चाहिए। तो अब ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आज फिर से झांसी जा रहा हूँ, फिर आपको आने पर इन्फॉर्म करूँगा कैसे हो सकती क्लास, क्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद 10 दिन बाद फिर से रुड़की है, IIT रुड़की। फिर देखते हैं आगे क्या होगा, जब समय होगा आपको मैसेज करेंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।